क्या आप जानते हैं बड़ी बड़ी नदियों में समुद्रों में ये बड़े बड़े ब्रिज बने होते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है? क्योंकि नदी और समुद्र का पानी तो कभी सूखता ही नहीं है, तो इन्हें पानी पर भी कैसे बनाया जाता है आइए जानते हैं। ये जो बड़े बड़े पुल होते हैं उनमें लाखों टन से भी ज्यादा वजन होता है और ये सारा का सारा वजन टिका होता है पिलर पर। लेकिन बात करें जमीन पर पिलर बनाने की तो बहुत ईजी काम होता है, बट समुद्र और नदियों में पिलर बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये काम सिर्फ मुश्किल ही नहीं होता है बल्कि रिस्की भी होता है। इन पिलर को बनाने में काफी ज्यादा टाइम भी लगता है। इन पिलर को बनाने के लिए कॉप डर्म की हेल्प लेनी पड़ती है। ये एक तरह की नींव होती है जिसे पानी के बाहर स्टील के मटेरियल से तैयार किया जाता है और जब ये बन जाता है तो इसे बड़ी बड़ी मशीनों के थ्रू पानी के अंदर फिट किया जाता है। फिर जितना भी पानी इसके अंदर भर जाता है सारा का सारा पानी मोटर के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इसमें सारा प्रोसेस करके सूखी जगह पर पिलर बनाया जाता है और इस तरह नदियों और समुद्र में पिलर क्रिएट करा जाता है। ऐसी मोर वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।